गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और हम सभी अब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम होता है वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बना रही हूँ और मम्मी सिलाई कर रही है, खुद के कपड़े सिल रही है। तो मम्मी सुबह से वैसे मुझे बोल रही थी कि मेरे कपड़े सिल दे, और मुझे सिलाई आती नहीं है। और किन्नू पढ़ाई कर रही है, और कविता क्या कर रही है वो अभी मैं आपको डिटेल में दिखाने वाली हूँ। कविता ने दो काचर बीजों सहित काट लिए हैं और अभी लहसुन छील रही है। खूब सारा लहसुन छीलेगी, उसके बाद में क्या बनाएगी? चटनी। क्या होगी? काचर और लहसुन। काचर और लहसुन की चटनी, देसी तरीका। मम्मी पहली सुगन काट देगी। नहीं तो काचरा की सुगन ये लहसुन छिल लिया है और अभी चलो चटनी बना से। इसमें अभी मसाले, लाल मिर्च, इति मिर्च अच्छा ये नमक तो नमक कम है। हाँ, मिर्ची खूब गहरी है। ये जीरा बस। और इसमें बन रही है खीर, मेरी फेवरेट, जो घर पे आती हूँ तो लगभग बनती है। अभी ये एक स्पेशल या फिर कैसे भी समझ सकते हो रेसिपी, जो मैंने आज तक नहीं देखी है, क्योंकि मिर्च के वो साबुत मिर्च में तो मिलाते हुए देखा है, लेकिन ऐसे लाल मिर्च में नहीं। तो मतलब है चौमासे में काचरा अवेलेबल हुए ना, अच्छी लगे काचरा। बनाओ बनाओ इन छमको भी लगाओगे? थन भी रहे ज्यादा स्वाद किया लागे, थोड़ो भी 1-2% तो अंत हो गए इन्हें किसी ज्यादा स्वाद हुए। मोटी लागे मनोज अब कल तैयार है बाजरी की रोटी सा खावे ना, बहुत ही स्वाद लगे। बस तो बना सियो बाजरी बना के बना बलाई दो कर दी बलाई तो ट्रांजेक्ट से अच्छी दरिया अब छमका मतलब तेल में डालना या कच्ची रखना? अभी मिर्ची को हम छौंक लगाएंगे, पकाएंगे इसको।
खाना पानी मतलब यहाँ सूप से जी तैयार होगी पकती अभी इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे, वो भी ढक्कन लगा के, वरना ये उछल उछल के बाहर आएगी। हाँ बता क्या सर गल है, तो नाक सर ना गली बस और गल ले बोले किन्नो मम्मी ये मंगजी वाला घाघरा पहनती है, वो भी कभी चार, आज ये 4 पल्ले का बना रही है और बाकी नॉर्मली 3 पल्ले का बनाती है, कपड़े के हिसाब से कि कपड़ा कितना हेवी है उसके हिसाब से फिर पल्ला बनाती है मम्मी। आज लोग कपड़ों पे तो है वास्ते 4 पल्ला है, 4 पल्ले बल्ला कितना है, बल्ला 4 पल्ला हो आजकल के, 4 पल्ला हो। ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, मेरी माँ के कटी बल्ला है, मेरी माँ के कटी बल्ला अपन 4 पल्ला के बाद 3 पल्ला के माँ बल्ला के 4 पल्ला हो, 4 पल्ला हो। मैं जाऊँ की नहीं माँ मैं से कहती मेरी तीन तू सी, मेरी माँ की तीन नहीं सीती। हाँ मैंने याद है अठे ही देगी जानती नानी। हाँ ते मेरी बच्ची की बात स्नेहा स्नेहा से मैं बस मना दी भी कुछ नहीं मानती रखा मैं कुछ नहीं मानती और कदे कदास कोई गांव जाती ना तो गांव सीमा ले आती और नहीं सीमती बुआ बती हैं कौन बनी चटनी बनेगी चटनी बनेगी हाँ चटनी बनेगी। हाय अब मस्त बनी है बना लो बनाओ ये चीनी और कलर को पहले पानी में भिगोए हैं और बादाम सबके हिस्से के अलग अलग हैं छोटे तो गिनता ही अब क्या गिन सियां अब तो चीटिंग हो सी और साथ में नारियल भी है मन कलरफुल खीर पसंद आ बिल्कुल धोली दिखे नहीं अजीब सी लगे अब इसको थोड़ी देर और पकाना है क्योंकि चीनी मिलेगी इसमें तो अभी हम बनाएंगे पूड़ी क्योंकि खीर के साथ चटनी के साथ पूड़ी अच्छी लगती है तो पूड़ी में क्या क्या सामान लगता है थोड़ी बनाएंगे चीनी सबसे पहले पीसी हुई
पिसी हुई चीनी, ये अजवाइन है, हाथ से थोड़ा सा क्रश करके फिर इसको अंदर डालेंगे। क्रश बिना राज की कोई चाल नहीं कोनी। अंदर डालेंगे। जय गुरु। क्रश बिना राज की कोई चाल नहीं कोनी। हाँ, थोड़ा ज्यादा ही क्रश कर देंगे इसको। वाव, अजवाइन की खुशबू कितनी आ रही है। जितनी ज्यादा बढ़िया क्रश जितनी ज्यादा बढ़िया बड़ी। एकदम सही है। हाँ, जो भी आपकी कैपेसिटी हो। सॉफ्ट हो गया थोड़ा, अच्छा हो गया मतलब। मोइन के लिए इसको डाल देंगे ऑयल को। ये आटे को ऑयल में बिल्कुल ऐसे मिला लेना है। इसको उसमें मिला लेंगे। और फिर इसमें पानी मिला लेंगे। इसमें ये मिला लेंगे। नहीं, इस इसमें वो तो डाला ही नहीं। ये लो, वो डाल दो, ये डाल दो। अब इसमें ये मिला लेंगे। खोल के देनो। इतने बड़े इसमें ये एक चम्मच या आधा चम्मच, आधा चम्मच ये मिला लेंगे। नमक है, मजाक कर रहे हैं। ये आटा लगा लिया, इसको अभी अच्छे से गूंदना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे ऊपर से। ये दोबारा और मोइन लगा के आटे को बिल्कुल अच्छे से मत लिए। और अभी इसको क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। उससे ढको तो उससे। अब ढक दो, आराम से बनाएंगे अब इसको। यहाँ पूछो करनी पड़ सी। अब इतनी मोटी पूरी बनाऊंगा, पूरी नहीं रोटी बनाऊंगा। पतली वाली रोटी सीख कौन है? अरे बिया हुआ तो नहीं, बात खुला कौन है? पतली वाली। यहाँ अपन भूरनो होने पतली मोटी के डिपेंड करते हैं आपको तो चीनी डालने में और मोयन लेवा आटे के साथ। भाई भाभी बेलन दिखा ले, ये लाए। आई एम जस्ट किडिंग, इतनी इंग्लिश सीखी है मैं, बस मजाक कर रही हूँ। वाओ, यम्मी यम्मी फूल रही है पूरी पूरी। हाँ ये देखो, पूरी फूली हुई है। ये देखो, सब पूरी पूरी है और सब फूली हुई है, गोल मटोल एकदम। वाह, मैं एक कटोरी में खावा को नहीं है। ना एक कटोरी में खा ले तो तीन दिया कटोरी में क्या खासे, दो में खा ले तो भी ये थाली में माई चम्मच ले ही ले एक कटोरी में क्या खासे। मैं चमचों खा ले मत ना, ही टेंशन ले तो। है तो सिर्फ रोटी खा सकते हो क्यों? खीर के के नहीं हाँ, खा के देख कुड़ी सागे बिना खाए बिना चाहे आदमी ने नहीं करनी चाहिए।
चाक खेड़ी तो है जल्दी को हाँ ए आई चटनी का हाथ मारे घीर कौन खाई खाली खीर खाओ किन्नू चटनी किसी लगी अरे खीर तो खीर खाओ चटनी मत खाओ खीर मस्त है मम्मी कविता का हाथ में स्वाद है बहुत ही मस्त है यार कविता खान के नहीं लग रही है मैं कभी कौन खाया रूम में कविता खीर में एलर्जी है सिया को नहीं खावे कविता ही को नहीं खावे सिया खीर को नहीं खावे दही को नहीं खावे बहुत दुख हो रहा है मने बेचारी सिया केवर कोई निजर होगी किठा कोई ओ बाण पड़ गई ठाई को एक बार थोड़ी सी आंगली चटा दी मैं जुब्बा खा गई बढ़िया बनी आ स्वाद बनी है एकदम परफेक्ट है ले ले रोटी अब मम्मी तो यूनिक तरीका खाई पूरी और खा दे नानी पूरी नहीं खाओ पूरे दही खाओ मैं बाद रोटी खा सकती हाँ खा पूरी खा दे मैंने दिखाई फिर किसी को लगा मम्मी चूरी है बाजरी की रोटी बाजरी रोटी सुख लगे सुख लगे खाओ भाई सुख लगे तो मैं ही खाइए चोखिया अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय जय श्री राम